और सभी को, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11th क्लास आपका चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाई थी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंतर्गत हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ, जैसे 9.81 लिख रहा है, तो देखो 9 तो बिल्कुल फिक्स्ड है ना, सर्टेन डिजिट है। पॉइंट के बाद जो 8 है वो भी सर्टेन डिजिट है, लेकिन पॉइंट के बाद जो 1 है ना, वो गलती होकर 9.82 भी नप सकता है, 9.80 भी नप सकता है। इसका मतलब वो बाद की जो डिजिट है वो अनसर्टेन है। तो किसी वैल्यू में जो भी अनसर्टेन डिजिट होती है, सर्टेन डिजिट होती हैं, उन सब को ही आप क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो 9.81 में 2 तो सर्टेन डिजिट है और 1 क्या है, अनसर्टेन डिजिट है। यानी कुल डिजिट कितनी है, टोटल डिजिट हैं 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम पढ़ लेते हैं व्हेन मेजर्ड। देखो डिटर्मिनेशन करना है किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजर्ड वैल्यू में कितनी है, ये बात हमें बतानी है। तो देखो, व्हेन मेजर्ड वैल्यू इज इन इंटीजर फॉर्म, जब आपकी मेजर्ड वैल्यू इंटीजर फॉर्म में हो, इंटीजर फॉर्म है ना, जैसे कि मतलब कंप्लीट पॉइंट वगैरह में ना हो। तो देखो, ऑल द डिजिट इंक्लूड्स जीरोज ऑफ राइट हैंड साइड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखो ये लिखा हुआ आपको समझ तब तक नहीं आएगा जब तक मैं आपको एग्जांपल से नहीं समझाऊंगा। देखो ये लिखा हुआ है 507, तो 507 में देखो 5 है, 0 है, 7 है। तो देखो पहली नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5 है। नॉन जीरो डिजिट तो समझते हो, जो जीरो ना हो वो नॉन जीरो डिजिट है। तो पहली नॉन जीरो डिजिट 5 है, 5 के बाद एक जीरो डिजिट है यानी 0, और एक 7 है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। लेकिन यदि ये 0 5 7 होता तो फिर 0 जो लेफ्ट हैंड साइड की है वो गिनी नहीं जाती। कहने का मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो 0 है वो गिनी नहीं जाती है। तो ये देखो लिखा हुआ है, ऑल द डिजिट्स इंक्लूड्स जीरोज, ठीक है, ऑल द डिजिट्स इंक्लूड जीरोज, समझ पा रहे हो, देख लो, ऑल द डिजिट है ना इंक्लूड जीरोज, यानी जीरो सहित सभी संख्याएं ऑफ राइट हैंड साइड, यानी जीरो भी जो गिननी है ना वो राइट हैंड साइड की गिननी है, लेफ्ट हैंड साइड की नहीं गिननी। आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ना, जो पहली नॉन जीरो डिजिट है 5, इसके बाद की चाहे जीरो डिजिट हो चाहे नॉन जीरो डिजिट हो, सब आपको गिननी है। लेकिन जीरो जो है आपको राइट हैंड साइड की गिननी है, लेफ्ट हैंड साइड की नहीं गिननी है। तो देखो 507 में आपकी कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, कि बात क्लियर है। आगे देखो, 5 नंबर सेकंड एग्जांपल दे रखा है ना, 5200। तो 5200 में आप देखोगे 5 नॉन जीरो डिजिट है, 2 भी नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन इसके बाद 2 जीरो दे रखी हैं, लेकिन ये दोनों जीरो राइट हैंड साइड की हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन यदि ये दोनों जीरो 5 2 से पहले होती तो लेफ्ट हैंड साइड की जीरो नहीं गिनी जाती, बात समझ गए। तो आगे देखो, व्हेन द नेक्स्ट पॉइंट आपका, व्हेन द मेजर्ड वैल्यू इज इन डेसिमल फॉर्म, यदि आपकी मेजर्ड वैल्यू डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल यानी पॉइंट वाली फॉर्म में। तो देखो, द जीरोज आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज काउंटेबल, जो पहली नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद की जो जीरो है वो काउंटेबल है यानी गिनी जाएगी। बट जीरोज है ना बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट काउंटेबल, ठीक है जी। लेकिन जो जीरो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के कैसी है, बट द जीरोज बिफोर उससे पहले वाली है, यानी इसमें भी कहने का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड की जीरो नहीं गिनी जाएगी, केवल राइट हैंड साइड की जीरो गिनी जाएगी, ठीक है ना। तो देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जांपल है 0. आप देख सकते हो, देखो 0.03520, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितनी है, 4 है लिखा हुआ है ना नीचे, क्योंकि मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड की जीरो नहीं गिनी जानी, केवल राइट हैंड साइड की जीरो गिनी जानी है, इसलिए राइट हैंड साइड की जो जीरो है इधर वाली ये गिन रहे हैं जो 352 के बाद हैं। लेकिन 352 से जो इधर की जीरो हैं ये नहीं गिनी जाएंगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी आपकी, 4। आगे देखो सिग्निफिकेंट फिगर नेक्स्ट जो आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.00073, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 2 हैं, क्योंकि मैंने बताया लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड की जीरो नहीं गिनी जाएगी, राइट साइड की जीरो ही गिनी जाती है। इसमें देख लो आप,
इसमें देखो चार हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड की जीरो नहीं गिननी, लेकिन टू थ्री के बाद जो जीरो बीच में आ रही है ये वाली गिनी जाती है। यानी इन डेसिमल फॉर्म में भी ऐसा ही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की जीरो नहीं गिननी है, राइट हैंड साइड की जीरो गिननी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर फोर हो जाएगा। इसमें देख लो आप 103.70। देखो इसमें फाइव डिजिट हैं, अब देखो 0.7 के बाद जो जीरो आ रही है वो तो राइट हैंड साइड की है, गिनी जाएगी, ठीक बात है। लेकिन ये देखो 3 से पहले जो जीरो है ये भी गिनी जाएगी, पता है क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट है 1 के तो राइट साइड में है ना, इसका मतलब है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में होनी चाहिए जीरो, तो गिनी जाएगी। लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में रहेगी तो गिनी नहीं जाएगी। यानी ये लिख रहा है ना 103.70, यदि ये होता 003.70 तो 3 से पहले दोनों जीरो नहीं गिनी जाती, ठीक है ना। इसका मतलब है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अपनी तरीके से समझ लेना, लिख लेना, फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है ना, फर्स्ट ऐसी डिजिट जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड की जीरो नहीं गिनी जाती, उसके केवल राइट हैंड साइड की जीरो गिनी जाती है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 5। इसके बाद देख लो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि 2 से राइट हैंड की दोनों जीरो गिनी जाएंगी, एक तो 2 के जस्ट बाद है और एक 4 के बाद है, लेकिन इससे लेफ्ट वाली नहीं गिनी जाएंगी, तीनों जीरो है ना, तो 5 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो?